बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज पीसी होगी, शाम 6:30 बजे मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुखातिब होंगे। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, पीसी करने वाले हैं मुख्यमंत्री, क्या कुछ जानकारी से लेकर? जी देखिए, जिस तरह से कर्नाटक का घटनाक्रम सामने आया है, बीजेपी के नेता की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो शब्द बोले गए हैं उन्हीं को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अग्रेसिव मोड में आ गई है और बीजेपी को घेरने के लिए एक बहुत बड़ा मौका इसे समझ रही है। तो आज दिन में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने पीसी करी थी इसी मामले पर। उन्होंने कहा था कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस उम्मीदवार के खिलाफ जिन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जान से मारने की उनके परिवार को धमकी दी है। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लग यही रहा कि उस मुद्दे पर अपनी बात कहेंगे और जिस तरह का माहौल कर्नाटक में है उसको देखते हुए कांग्रेस दावा कर रही कि हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी बौखला गई है, तो सीएम क्या बोलेंगे उस पर सबकी निगाह है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू इस वक्त यही है कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है कि और इसी मुद्दे पर आज सीएम बीपीसी करने वाले हैं यही माना जा रहा है। इसके अलावा जो महंगाई राहत शिविरों में जिस तरह की उपलब्धि सरकार को और हासिल हो रही है उसी को लेकर वो और भी बताएंगे कि जो दौरे करके आए हैं 11-12 जिलों के दौरे अभी तक सीएम ने करे हैं और जिस तरह का माहौल उन्होंने देखा है तो उसके बारे में भी वो अपनी बात कहने वाले। बिल्कुल बाबूलाल, मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो विवादित बयान किया गया उसे लेकर अब कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही। इससे पहले भी हमने सुना पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को जमकर वहां पर बीजेपी पर हमला भी बोला गया और अब क्योंकि मुख्यमंत्री पीसी कर रहे हैं तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी मुद्दे को लेकर बातचीत की जा सकती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है बाबूलाल कांग्रेस को। था उसमें बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर उन्होंने बैन करने की बात कही थी, तो उसे लेकर के बीजेपी ने पूरे कर्नाटक में एक माहौल बनाया और बहुसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी तक करार दिया गया। सारे के सारे बड़े नेता कांग्रेस पर हमलावर थे और ये तक कह रहे थे कि ये पार्टी हिंदुओं की विरोधी है और बजरंग दल जैसे संगठन को भी ये पर भी ये प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। तो कांग्रेस बहुत ज्यादा जो है बचाव की मुद्रा में थी लेकिन अब सेल्फ गोल कर दिया एक तरह से बीजेपी के नेता ने और अब उस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस आक्रामक भूमिका में नजर आ रही है और तमाम जो बड़े नेता देश भर में वो इस मुद्दे पर जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। तो इस मौके पर अब अशोक गहलोत भी आज अपनी बात कहेंगे और बीजेपी के खिलाफ हो सकता है कोई बड़ी बात भी वो बोले। बिल्कुल बाबूलाल, 6:30 बजे का वक्त दिया गया है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पीसी करेंगे और देखना बेहद अहम होगा कि मुख्यमंत्री अपने पीसी में क्या बातें बोलते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।